बच्चे बड़े शौक से लगे हुए हैं मेरे सारी चीज़ें उठाने के लिए, और ये वाला जो है ना टोकरा ये मैंने तैयार कर दिया है। और अभी यहाँ से, अच्छा आपने ऊपर खड़े होना है, ईमान को कहती है ईमान ऊपर से, ईमान आप यहाँ से ना ऊपर चढ़ो यहाँ से, और ऊपर से जो चीज़ें पड़ी हुई है ना वो उतारो, नहीं आप रहने दो बस, हाँ अली आपकी हेल्प करेगा। ये देखो जी इसे कहते हैं तकसीम, काम बांध बांध के कर रहे हैं सावरे के सारे, वाह भी वाह। इधर ही रखियो, नीचे रख दो, नीचे रख दो सारा कुछ, इसके ऊपर रख जाओ। हाँ जी हाँ जी, चलो जी और कुछ है उसके ऊपर, ऊपर वाली चीजें जो पड़ी है ना ऊपर वाले खाने में वो भी ले आओ साइड जी, हाँ ये वाली। चलो अली पकड़ो पकड़ो पकड़ो, शाबाश अली पकड़ो, पकड़ते जाओ, नहीं यहाँ ही रहने दो, अली को दे दो, पकड़ा दो नीचे, नीचे रखेगा अली, अली पकड़ते जाओ पकड़ते जाओ, शाबाश वहाँ पर रखते जाओ, हाँ यहाँ नीचे रखते जाओ, पकड़ो पकड़ो एक एक चीज पकड़ते जाओ रखते जाओ, शाबाश शाबाश जी पापा की। अच्छा ये मुझे दिखाना, ये कहीं प्लाजा चुकी तो नहीं है, है ना वो आई है उनकी एक, पापा को दिखाऊंगी, चलो नीचे रखते हो नीचे सारा कुछ, नीचे रखते हो नीचे, ईमान की कैरेटीन, जाओ रखते जाओ, हाँ पकड़ते जाओ रखते जाओ, हाँ चलो शाबाश। और शरीर आना है, एक छोटा सा काम करोगे, ये कप उठाओ और बाहर टेबल के ऊपर रख के आओ, ये ग्लास भी दो, ग्राना देना, अच्छा कुछ ग्राना देना बाहर जो बाहर टेबल पर, चलो एक एक करके रखो, ड्रेसिंग टेबल पर निकाल देंगे खुद सुबह, ये सोफे भी वो सुबह निकालेंगे, हमने बस ये चीज़ें उठानी थी और वो खाली कर दिया बस। बस बस रात को बारिश आ जाएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, मेरे सब ठीक ठाक खुशपाश होंगे। तो आपने लास्ट जो सीन देखे हैं दो तीन, वो सारे रात के थे जब हमने कमरों में से चीज़ें जो है ना वो निकाली थी, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें छोटी छोटी निकाल दी थी, और बच्चों ने ना एक सोफ़ा भी निकाल दिया था मेरे मना करते करते, अभी वो दूसरा भी निकालने की कोशिश में थे, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं ये ना सुबह जो बंदे आए काम करने के लिए वो खुद ही निकाल दें, क्योंकि पंखे भी उतारने हैं, सारी चीज़ें LCD वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सारी निकालने के बाद जो है ना वो तोड़फोड़ होनी थी। तो ये सुबह का टाइम है, नमाज के बाद मैं और अहमद जो है ना वो सुबह उठे थे नमाज के लिए, तो उसके बाद फिर थोड़ी देर 5 मिनट ना मैं बाहर निकली थी, तो फिर हमने जो है ना चीज़ें और निकालने वाली थी मेरी, वो मैंने निकाल दी थी क्योंकि हम लेटे थे रूम में, मैंने बिस्तर वगैरह कंबल वगैरह इकट्ठे करने थे, तो उनके आने से पहले ना हमने यहाँ पे सेफ वाले कमरे में चटाई बिछा के, मैंने तो एक गद्दा जो है ना यहाँ पे बिछा लिया था क्योंकि बच्चों ने सारा दिन बैठना था, तो फिर हमें बैठने के लिए भी कोई जगह जो है ना वो चाहिए थी। और अभी जो है ना कमरे बिल्कुल देखें खाली हैं, फर्नीचर सारा बाहर निकल गया था, और अभी जो है ना वो उन्होंने आना है, जिन्होंने छत जो है ना वो तोड़नी है, सीलिंग तोड़नी है, अभी सिर्फ वो आदमी आया था जिसने पंखे वगैरह उतारे हैं, लाइटें निकाली हैं, तो उसी के साथ मिल के मेरे हस्बैंड ने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने बेड वगैरह खोल के बाहर निकाल दिया, और सोफ़े वगैरह जो भी चीज़ें थी ना गद्दे शद्दे बैठ के वो सारे बाहर निकाल दिए, और कमरे बिल्कुल खाली कर दिए थे, टाइम पीस भी निकाल दिया, LCD भी निकाल दी, और अभी जो है ना उनका वेट हो रहा है, और बच्चे जो है ना वो घूम फिर रहे हैं, ये छोटी पिद्दो सी हमारी खेल रही है यहाँ पे। अच्छा अभी ना बस सारे हमारे करने वाले सारे काम कंप्लीट थे, हमने चीज़ें वगैरह सारी बाहर निकाल दी हैं, और मुझे जो फिक्र है वो ये है कि अब कितने दिन लगेंगे, किस तरह से काम होगा, और कितने दिन जो है गर्मी इतनी ज़्यादा है, इसी ये है कि रेगुलर तो नहीं चलाते लेकिन दिन के किसी हिस्से में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो बच्चे चला भी लेते हैं, लेकिन अब हमें AC के बगैर रहना पड़ेगा पूरा दिन, तो बहरहाल जैसे भी टाइम है गुजारना पड़ेगा। तो अभी आदमी जो है ना वो आ गए थे, इन्होंने पहले ये सारी छत तोड़नी है फिर उसके बाद जो है ना वो जोड़नी है, बस साथ साथ जो है ना वो आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, मैं दिखाती रहूँगी अपनी डेली वीडियोस के अंदर, तो इसके साथ ही मेरा छोटा सा ब्लॉग होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अल्लाह हाफिज़।